भोपाल के पास सीहोर जिले के कुबरेश्वर गांव में जो महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष बांटने का कार्यक्रम है जो आज से शुरू हो रहा है, उसके लिए हजारों लोग वहां पड़े हैं। आप देखिए पूरी तरह से लंबी लंबी कतार आ रही है। ये भोपाल और इंदौर को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे है और इस तरफ सीहोर शहर है जहां से जो रेलवे स्टेशन है वहां से जो लोग चले आ रहे हैं, सब लोग पैदल चले आ रहे हैं। और इसके साथ साथ इस तरफ जो इंदौर को जोड़ने वाला हाईवे है वहां भी जाम लग गया है और हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं उस जगह से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर वो जगह है जहां पर आयोजन हो रहा है। मगर इस सब के बावजूद आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ उमड़ रही है लोगों की। आज पहला दिन है, तकरीबन 7 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा मगर लोग चले आ रहे हैं अपने सामानों के साथ, पैदल चले आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश से भी लोग चले आ रहे हैं सिर्फ यही कि उनको उस इस कार्यक्रम में शामिल होना है। मगर आप देखिए कि आलम यह है कि कितनी लंबी कतार है और ये सारे लोग पैदल चले आ रहे हैं और इनको अभी तकरीबन 3 किलोमीटर दूर और जाना है मगर उसके बावजूद ये सब पैदल चले आ रहे हैं। और ये जो इंदौर को जोड़ने वाला भोपाल का हाईवे है पहले दिन ही जाम हो गया है। प्रशासन ने दावा किया था कि हम इसके लिए काफी इंतजाम करेंगे, पार्किंग बनाएंगे मगर सारे इंतजाम ध्वस्त हो गए हैं। पूरा हाईवे लंबे समय से जाम पड़ा हुआ है और ये सारे लोग कहाँ जा रहे भी आप? निमस्ते। अच्छा तो यहाँ से कहाँ जाओगे? श्योर भुवनेश्वर के लिए। हाँ। तो देखिए सारी महिलाएं कहाँ से आ रही हैं आप लोग? अहमदाबाद से आ रहे हैं। अहमदाबाद से? तो क्यों आ रही हो? लेने आ रहे हैं विश्वास। तो वहाँ क्या मिलेगा आप लोगों को? इतनी तकलीफ लेना दिलाएंगे बोलेंगे। इतनी तकलीफ उठाती हुई चली आ रही है आप लोग पर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो क्या हो गया? तो खोना तो पड़ेगा, तकलीफ तो उठा। आप देखिए ये आस्था का कुंभ है, लोगों को आस्था है। और इससे आप कहाँ से आ रही हैं? हम दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रही? हाँ जी। क्यों, क्या सुन के यहाँ आ रही है? क्या मिलेगा? बस मेरे बाबा ने हमें बुलाया। हम तो सोची भी नहीं था कि कभी मुझे मेरे को आना पड़ेगा यहाँ पे। मैं तो बहुत शुक्रिया था कि बाबा मुझे इस काबिल बनाए, मुझे यहाँ बुलाए। बाबा से मिलने भी 5 किलोमीटर पैदल जाना है, चली जाएंगी? हाँ जी हाँ जी। उनका कृपा होगा तो यूँ पता नहीं चलेगा। जब मैं दिल्ली से आ रही थी इतना भीड़ था, इतना कि बाबा पे इतना अच्छा आस्था था, सीट मिल गई एकदम कुछ आसान सा लगा हम तुरंत ही पहुँच जाएंगे। अब देखिएगा अभी फिर हम तुरंत ही पहुँच जाएंगे। रुद्राक्ष लेने जा रहे हैं आप लोग? हाँ रुद्र लेने जा रहे हैं हम लोग। रुद्राक्ष से क्या हो जाता है? अब बाबा कहते हैं हर कष्ट कट जाता है, हर तकलीफ कट जाता है, वही लेने जा रहे हैं हम रुद्राक्ष। आप देखिए कुल मिला के ये सब वो बाबा के भक्त हैं जो सारे लोग चले आ रहे हैं इस आस्था के वशीभूत होकर। मगर काफी सारे लोग यहाँ परेशान भी हैं। चलिए कुल मिला के हम आगे देखेंगे और बताएंगे कि आगे और क्या आलम है। कुबरेश्वर धाम का आलम यह है कि जाना ही बड़ा मुश्किल है। हम खुद 3 किलोमीटर चल के आए हैं पैदल और देखिए चारों तरफ भीड़ी भीड़ है, किसी को कुछ नहीं मालूम कि कोई कहाँ जाएगा। पूरा प्रशासन, पुलिस, किसी का दूर दूर तक नहीं दिख रहा। हर आदमी जहाँ है बस वहीं थमा हुआ और इस पूरी भीड़ में खड़ी हुई है, चाहे वो एम्बुलेंस है। और सबसे बड़ी बात, ये भोपाल को इंदौर से जोड़ने वाला हाईवे है, इस स्टेट हाईवे में पिछले 3 और 4 घंटे से जाम लगा हुआ है। लाखों लोग चले आ रहे हैं, किसको कहाँ जाना है कुछ ना। लोग ये आप कहाँ एम्बुलेंस में किसको छोड़ेंगे? आप लोग एम्बुलेंस से दूर हो जाओ भैया, तो छोड़ के आ गए। एम्बुलेंस से दूर हो जाओ। तो आप देख सकते हैं कि इस एम्बुलेंस को ही निकलना मुश्किल हो रहा है जिसपे एक पेशेंट भी है। आप कितनी मुश्किल घड़ी है कि दूर दूर तक लोग ही लोग हैं, ना आने का रास्ता है ना जाने का रास्ता है। एक तरफ का रास्ता पूरा बंद है और दूसरी तरफ का जो रास्ता है वहां पर जाने की कोई जगह नहीं है। और लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर व्यक्ति परेशान है। और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और इंतजाम पूरी तरीके से नाकाफी साबित हो रहे हैं, जबकि गांव यहां से और 2-1 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं कि हालत किस बुरी तरह है कि रास्ता एकदम थमा हुआ है, रुका हुआ है। इस पूरी भीड़ में बच्चे हैं, बूढ़े हैं और बड़े लोग भी हैं और हर आदमी परेशान है, दुखी है कि आखिर अब होगा तो होगा क्या और जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। सर बड़े इंतजाम खत्म हो गया पूरा क्या? आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा कोई? पूरा जाम लग गया है। आपको इंतजाम कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो देखिए ना क्या आलम है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, पूरा रास्ता बुरी तरह जाम लगा हुआ है। इसको कुबरेश्वर धाम में जो भीड़ आई है वो प्रशासन के एकदम बेकाबू हो गई है। प्रशासन जरा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग लौटने वाले लोग हैं वो किस तरह जाम में फंसे हुए हैं। जाम तो हालांकि दोनों तरफ है, ये इंदौर को जाने वाला रास्ता है भोपाल से, पिछले 2-3 घंटे से पूरा बंद है।
मगर सबके बावजूद वो जो लोग कुबेरेश्वर धाम से लौट रहे हैं वो देखिए किन अपने आप को कितनी मुश्किलों में डाल के लौट रहे हैं। वो ये पूरा गड्ढा है, स्लोप है और वहाँ पे बड़े बूढ़े महिलाएं सब किसी तरह इस रास्ते पे आना चाह रहे हैं। कभी भी यहाँ पे भगदड़ की स्थिति हो सकती है। जहाँ भी देखिए भीड़ ही भीड़ दिख रही है, बहुत दूर दूर तक भीड़ ही भीड़ है। ये सारे लोग उसी रोड से आने वाले हैं, उसी रास्ते से जाने वाले हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं, तो जाएं कहाँ। तो कुछ लोग हैं, आप क्या लौट के आ रहे हैं वहाँ से? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी व्यवस्था, ना रुद्रास मटर है। रुद्रास मटर वहाँ भीड़ हो रही है, भगदड़ मच रही है, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना हमको पानी नहीं मिल रहा, पानी तक भी नहीं मिला। ग्वालियर से आए थे? हाँ। तो आप रुद्राक्ष लेने आए थे? रुद्राक्ष लेने आए थे, किसी को नहीं मिला, ना के बराबर 15 फेंकते हैं, वहाँ लूट मच रही है, वहाँ पे कोई ले नहीं पा रहा। तो क्या भगदड़ जैसी स्थिति? तो वैसे ही लौट रहे हैं, भगदड़ मच रही है भैया, बहुत परेशानी हो रही, कुछ नहीं। बुजुर्ग लोग क्यों चली आती है सब सुन सुन? बस गलती हो गई, पहली बार हम निकल। पंडित जी तो टीवी के सामने बोलते हैं, तो टीवी और रियल दुनिया में बहुत फर्क होता है। हाँ, देखो आप बुजुर्ग महिला हैं, आपके पैरों में बंधा हुआ है और कैसे पैदल आ पाओगी दूर तक, पूरा रास्ता इतना कितना। हाँ हमारा ही हो रहा है, आपका सुधा जादव। तो देखिए सब ग्वालियर से आए हैं, पैर में तकलीफ है, दो घंटे भी रुद्रास बैठ नहीं पा रहे हैं, दो घंटे भी नहीं, कुछ भी मिले नहीं मिला, पानी तक भी नहीं मिला। रुद्राक्ष मिल गया? वो भी नहीं मिला, फेंक रहे बोलते रुद्राक्ष, फेंक के देता है कोई। बहुत परेशानी, पैदल 6 किलोमीटर दूर से पैदल आ रहे हैं। तो पैदल चले आ रहे हैं? हाँ पैदल। अंदर कितनी भीड़? बहुत सारी भीड़, 1 लाखों जनता। पैदल भी चलना है कि लाइक नहीं इंसान लग रखा है? हाँ लाइट आइट भी नहीं है, कोई जगह नहीं है सर, अंदर नेटवर्क नहीं, मोबाइल। इतनी भीड़ है लेकिन कोई सुविधा नहीं है। तो देखिए सबसे बड़ी कोई है नहीं, पानी भी नहीं मिला था हमारा, 8 दिन गवा के है, न गाड़ी भी नहीं मिला था, गाड़ी भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे लौटोगे आप लोग? पैदल चला था सर, छत्तीसगढ़। देखिए ये सब ये सब नंगे पैर हैं, सारे लोग नंगे पैर हैं, पैदल चले आए। चप्पल जूते कहाँ गए आप? नहीं मिला पीने के लिए, चप्पल जूते गए वहाँ गाड़ी में, गाड़ी छत्तीसगढ़ से है हम सर। देखिए सारे लोग कितने दूर दूर से आए हुए हैं, तो हमारा महाराज की गलती। हाँ हाँ महाराज की गलती, महाराज ने बोला कि तुम्हारा नहीं। तो क्या सोच के आई थी यहाँ? आई थी हम तो बहुत दूर से आए दर्शन के लिए आए थे, पर क्या कर, दर्शन मिलेगी नहीं, दर्शन ही नहीं हुए, रुद्राक्ष वगैरह नहीं मिला, बस ऐसे घूम के आए, बस चला कैसे। इतनी भीड़ अंदर? भीड़ बहुत है अंदर। दोबारा आओगी? तो देखिए सारे वो लोग हैं जो जो परेशान हैं, भीड़ भड़का है, मगर देखिए बस कुछ नहीं है, सिर्फ अंधश्रद्धा है, अंधी आस्था है। एक सिर्फ एक कथावाचक के बुलावे पे इतने सारे लोग आ गए हैं कि ना उस गांव में जाना, ना गांव में प्रवेश कर पा रहे हैं, ना गांव से निकल पा रहे हैं, और कुल मिला के बेहद बुरी हालत है। कभी भी कुछ बड़ी घटना दुर्घटना हो सकती है, दूर दूर तक पुलिस प्रशासन किसी का कोई पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये जो इंदौर जाने वाला हाईवे है पिछले 3 और 4 घंटे से बंद पड़ा हुआ है, हजारों गाड़ियां ठहरी हुई हैं, पहिए जमे हुए हैं। कहाँ जा रहे थे? इंदौर जा रहे थे क्या? भोपाल जा रहे हैं भैया। भोपाल? भोपाल भोपाल तो उस तरफ है। अब वो इस साइड में जाम इतना भयंकर लगा हुआ है, तो आप वापस इधर ही भाग। कितनी देर से रुके हुए? अभी कम से कम 2 घंटे से ऊपर हो गया। ये सारे लोग वो हैं जिनको अपने जरूरी काम से जाना है, मगर कितनी मुश्किल घड़ी है कि एक कथावाचक के बुलावे पे आ तो गए हैं, मगर पूरा इलाका भीड़ से परेशान हो रहा है। देखिए कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बुलावे पे किस अंदाज में लोग चले आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? कहाँ से आ रहे हो? सिवनी। सिवनी से आ रहे हो? इसी गाड़ी से चले आ रहे हो? हरदा। हरदा सर, व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है, और ना पानी की व्यवस्था। हरदा से? अजमेर राजस्थान। उनको सतर्क कर दिया जाए, हाँ वो नहा ना आए यहाँ पे। आप किसके बुलावे पे? अब वो तो पंडित जी ने इतना इम्प्रेस कर दिए थे तो आ गए। परेशान हो रही है? और परेशान हो रहे हैं यहाँ आके, कितनी सारी पब्लिक परेशान हो रही है। और क्या, इतना इम्प्रेस ही करना चाहिए था ना पंडित जी को, पब्लिक को। पंडित जी कहाँ से इंतजाम कर लेंगे? उन्होंने बोला आप सब लोग देखिए कितने सारे लोग हैं और किन हालातों में रह रहे हैं, और जहाँ देखिए सब वहीं पूरी पब्लिक, पानी की दिक्कत है, चलने की दिक्कत है, रास्ता जाम है, जहाँ देखिए वहीं वहीं। आप लोग भी वहीं जा रहे हैं गाँव? जी जी। कहाँ से आ रहे हैं? शिकोहाबाद से, आगरा मंडल। आप इतनी दूर से आ रहे हैं आप लोग? तो किसके बुलावे पे चले आ रहे हो? बाबा के बुलावे पे आए, भोलेनाथ के बुलावे पे। बाबा और भोलेनाथ पे कुछ फर्क है कि नहीं? फर्क कोई फर्क नहीं है, बाबा पर। तो
तो परेशान हो रही ना, परेशानी तो नहीं हो रही हमें, कोई परेशानी नहीं। वाह, ये तो आप झूठ बोले आप। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा अपना विश्वास है। तो चलिए दीजिए, देखिए ये सारी वो पब्लिक है जो बहुत दूर दूर से आ रही है, परेशान है, मगर मान नहीं रही इस बात को कि परेशान है, क्योंकि सारे लोग एक अंधश्रद्धा। अब देखिए हमसे पूछे भोपाल की गाड़ी, सारे रास्ते बंद है, कहाँ जाएंगे आंटी जी? भोपाल जाना है, बूढ़े इंसान है भैया, पहले ही दो हमारे दो लेडीज दिख रही। देखिए सारे बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और सारे लोग बेहद परेशान हैं, ना किसी का फोन का नेटवर्क लग रहा है, ना पानी की सुविधा है, और सबको जाना है उस गांव में जहां पे जाने के लिए भारी मुश्किल हो रही है। और देखिए किस तरीके से लोग जिसको जहां जगह मिल रही है वहां अपने इंतजाम से बैठा हुआ है छाएं को लेके। मगर बड़ी बात यही है कि जब प्रशासन पूरी व्यवस्था से एकदम अलग दिख रहा है, कोई पुलिस प्रशासन कोई नहीं है यहाँ पर। आप देखिए जिसको जहाँ जगह मिल रही है, जहाँ छाए मिल रही है, हर आदमी, ये सारे लोग वहाँ जाना चाहते। देखिए वो छाए हैं और छाए में इतने सारे लोग यहाँ बैठ गए हैं, अब ये इनको आना है जाना है, किसी को कुछ आइडिया नहीं कि कहाँ जाएंगे, कैसे जा पाएंगे और कैसे उस जगह। गाड़ियाँ देखिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो, सहूलियत क्या होगी, आजकल गाड़ियों में लोग बैठ के आ जाते हैं, इनको देखिए ये तो हो गई, वहाँ से आ गई आप लोग। आ गए हम लोग, तो रुद्राक्ष मिल गया? हाँ मिला हमको। तो अब सब ठीक हो जाएगा? हमको विश्वास है बाबा पे पूरा। देखिए ये वही भरोसा है, विश्वास है, जिसके तहत ये सारे लोग चले आते हैं। आप इसको अंधविश्वास कह लो या अंधश्रद्धा कह लो, मगर हाँ ऐसे लाखों लोग हैं जो चले आ रहे हैं कुबेरेश्वर धाम में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बुलावे पे। बाहर आ गए हैं, अंदर एंट्री नहीं किया हमने, घबराहट देख के बाहर ही, क्योंकि हम बच जाएंगे यही बहुत है, ये सोच के हम तो बाहर से निकल आए। कहीं निकलने का रास्ता ही नहीं दिख रहा है। क्या हो रहा है? बहुत 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 भगाया जा रहा है, व्यवस्था कुछ भी नहीं है, पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। डंडा ले लेके लोग पहुंच गए थे बस। तो आप तो बड़ी घबरा रही हैं, सांस ज्यादा चल रही है, तबीयत खराब हो रही है बहुत ज्यादा। डॉक्टर डॉक्टर नहीं, कोई नहीं है, कोई भी नहीं। पानी आने के इंतजाम? कोई इंतजाम नहीं, बिस्लरी भी महंगी कर दी जा रही है, पेट बढ़ा के और दे रहे हैं। बाबा के बुलावे पे आ गए? हाँ यही सोचा था। रुद्राक्ष भी नहीं मिला? कुछ नहीं, अरे वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है हम। आरती शर्मा, सविता शर्मा, भिंड से हैं आप लोग? जी जी जी। कितनी दूर भिंड से लोग आए हैं, परेशान हो रहे हैं? जी जी, पहुँचे ही नहीं है, एंट्री से पैर छूकर निकल आए, तब तो ये हालत है। सब इतनी दूर आप जाएंगे? ट्रेन है हमारी शाम की, बोले बाबा ले जाएगा। आप मिला रुद्राक्ष? कुछ नहीं मिला। मिल जाता तो क्या हो जाता? कुछ नहीं, श्रद्धा से आए थे, नहीं मिला क्या करें? मिल जाता तो यात्रा सफल हो जाती। अब यहाँ के भी कुछ नहीं मिला, तो कहीं भी मिल जाएगा, कुछ जरूरी इतनी दूर आओ? नहीं नहीं नहीं, दर्शन तो मिलते, अंदर एंट्री तो मिलती, वो भी नहीं मिला हमें तो। चलिए सब आस्था के वसीभूत होके चले आए, टीवी पे प्रवचन सुने और चले आए, और अब यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, और अब अपने आयोजक लोग पागलों की तरह जा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे वहाँ पर। कल की घटना हुई थी, कल जितने रुद्राक्ष आए थे ना, सब बिक चुके हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। ये सब पागलों की तरह जा रहे हैं, पागलों की तरह आ रहे हैं। हम भी गए थे, बाबी से आ गए, धीरज साहु। पढ़े लिखे हो? हाँ सर, पढ़े लिखे गए। क्यों रुद्राक्ष लेने गए थे? सर वहाँ पे मैं रुद्राक्ष लेने के खाए थे, क्योंकि लोगों का भावना है यहाँ पर कि रुद्राक्ष है ना, हमारी तबीयत सही होगी। तो भावनाएं सही होती कि कर्म सही होते हैं? कर्म भी, इन लोगों के कर्म भी सही नहीं होने चाहिए ना उसके लिए। चलिए ठीक है, ये सब परेशान लोग हैं जो बेहद परेशान है। हो गया दर्शन? हो गए? रुद्राक्ष मिल गया? मिला? अरे बहुत तकलीफ है सब लोगों को, रुद्राक्ष मिला नहीं, मैनेजमेंट बराबर नहीं थी, कुछ ही नहीं था। तो ये देखिए सारे लोग दुखी हारे होके परेशान होके लौट रहे हैं, और सब ये कह रहे हैं कि व्यवस्था नाम के अंदर कोई चीज नहीं है, लोग जा तो रहे हैं, ना तो पंडाल में पहुंच पा रहे हैं, ना पंडाल में रुक पा रहे हैं, और ना ही खाने पीने का कोई किसी को इंतजाम हो रहा है। आलम एक ही, सब लोग कैसे जाएंगे, कितनी दूर जाएंगे, कुछ समझ में? बहुत परेशानी में, इतना परेशान हो चुके हैं, बस कल 3:30 बजे उतरे थे, 3:30 बजे से अभी तक भी पानी तक भी ढंग से नहीं मिला। अच्छा, आप क्या नाम? इंदौर से। अब देखिए सारे लोग जो भी मिल रहा है वो हाथ पकड़ के यही कह रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। और परेशानी का आलम यह है कि सारे लोग लौट तो रहे हैं, मगर कोई किसी के चेहरे पे हमको ना तो खुशी दिख रही है, ना संतोष दिख रहा है। कुछ भी नहीं है सर, खुशी कैसे होगी जब इतना सारा सहन करने के बाद हमारे मुँह पे खुशी कैसे होगी, इतना धक्का मुक्की। तो देखिए सब परेशान हैं और बड़ी उम्मीदों से यहाँ। पानी की व्यवस्था तक नहीं, यहाँ पे
कुछ नहीं मिला भैया, हाल इतने कुछ नहीं। बाबा को बोलना, बाबा ने कुछ व्यवस्था नहीं बनाई ना, सब पजीता वापस चले, इतनी दूर आए ना। अब देखिए अजब आलम है, जिससे बात कर रहे हैं हर आदमी दुखी है, हर आदमी दुखी है, परेशान है, किसी के चेहरे पे कोई खुशी नहीं दिख रही है कि हम अंदर से रुक के आ रहे हैं। हर आदमी थका हारा परेशान दिख रहा है और कह रहा है कि अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। अंदर देखिए, जैसे मैं इतने सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन जितनी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है, ना कहीं पैर रखने की व्यवस्था है। ये बताओ जाओगे कैसे, यहाँ पूरे रास्ते जाना बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आए हैं तो जाना पड़ेगा। हम तो यूपी बलिया से आए हैं। तो देखिए सारे वो लोग हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, पूरा रास्ता जाम है, दोनों तरफ से रास्ता जाम है और पिछले कई घंटों से रास्ता जाम है और कब खुलेगा किसी को कोई आइडिया नहीं, क्योंकि दूर दूर तक कोई पुलिस प्रशासन के लोग दिख ही नहीं रहे हैं। तो कुल मिला के लोगों की मुश्किलों का अंत अभी होता नहीं दिख रहा है। हम 4 किलोमीटर सीहोर से पैदल चलकर इस कुबेरेश्वर धाम तक आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, कुबेरेश्वर धाम। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप जी मिश्रा, उन्होंने यहाँ लोगों को बुलाया है अपने गांव में कुबेरेश्वर धाम में कि हम आपको हमारी कथा सुनिए और हम आपको रुद्राक्ष देंगे। उनके बुलावे पे लाखों लोग यहाँ चले आए हैं। आप रास्ता देखिए, दोनों तरफ भीड़ ही भीड़ है। इसमें से बहुत सारी संख्या उन लोगों की है जो अंदर गांव में जा ही नहीं पाए हैं। अब मैं अपने कैमरामैन होमेन से कहूंगा कि दिखाएं वो कहाँ, देखिए सामने तक लोग बैठे हुए इंतजार में कि किस तरह अंदर गांव में जाने का मौका मिलेगा। मगर अंदर गांव यहाँ से थोड़ा सा अंदर है, मगर वहां तक लोग जा ही नहीं पा रहे हैं, थक हार के लोग यहीं बैठे हैं। और ये इंदौर भोपाल का हाईवे है, जो हाईवे पिछले 4 घंटे से बंद पड़ा हुआ है। जिनको भोपाल से इंदौर जाना है वो जा नहीं पा रहे हैं, जो जिनको भोपाल इंदौर से भोपाल आना है वो आ नहीं पा रहे। हर तरफ भीड़ी भीड़ है, पुलिस प्रशासन का यहाँ कहीं नामो निशान नहीं है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि अब इतना लंबा रास्ता तय करके जाएंगे कहाँ। अधिकतर हमको जो लोग मिले वो बेहद परेशान हाल मिले, और जो अंदर से लौटे भी उनका कहना था ना तो वो कथा सुन पाए हैं, ना उनको रुद्राक्ष मिले हैं, और कुल मिला के अंदर की हालत से घबरा के बाहर भागे हैं। अंदर ना चिकित्सा का इंतजाम है, ना पानी का इंतजाम है, कुल मिला के बेहद बदहाल हालत में लोग लौट रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि बाबा को प्रदीप मिश्रा के लोगों को बुलाना था तो पहले इंतजाम करना था। पर बड़ी बात वही है कि जो अंध भक्ति होती है, अंधश्रद्धा होती है, और एक छोटे से आसान नुस्खे के दम पे पूरी अपनी जिंदगी की समस्याएं सुलझाने की एक जो उम्मीद होती है, उस उम्मीद के चलते लाखों लोग यहाँ चले आए हैं। ये लोग मध्य प्रदेश के तो हैं ही, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के भी हैं, और परेशान हैं, ना लोग जा पा रहे हैं अंदर गांव में, ना आ पा रहे हैं, और जो आए हैं वो दुखी हालत में निराश हैं। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि प्रशासन नाम की व्यवस्था यहाँ पूरी तरह फेल हो गई है, ना लोगों को आने जाने को मिल रहा है, ना किसी को शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना चिकित्सा का इंतजाम है। लोगों को कोई बताने वाला नहीं है जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे। लंबा जाम लगा हुआ है। जो लोग यहाँ आ गए हैं वो कैसे जाएंगे, और जो नहीं आ पाए हैं वो कैसे यहाँ तक आएंगे। कुल मिला के प्रशासन ने बहुत बड़ी चूक की है, एक कथावाचक को इतने सारे लोगों ने के बुलावे पे आ तो गए हैं, मगर उनका किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं किया है। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोग्राम पूरा 7 दिनों तक और चलना है। आज पहला दिन है, जब ये आलम है आने वाले दिनों में क्या होगा। कैमरामैन होमेन देशमुख और नितिन ठाकुर के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज सीहोर। रास्ता सुबह 3 दिन से बंद है, अभी तो सुबह सुबह मॉर्निंग से बंद है। पिंटू वर्मा, हम नहीं, पूरी पब्लिक ही परेशान है सर। यहाँ के आसपास के गांव के लोग, बाहर के लोग, कम से कम 8-10 गांव के लोग परेशान हैं। हर घर में सुबह रात को से लेके सब परेशान कर रहे हैं। रात में जब पब्लिक आ रही है तो वो लोगों के घर में जाके उन्हें उठा रही है, उठाइए हमें सुलाइए, खाना नहीं है, पानी नहीं है, व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारी व्यवस्थाओं के कारण परेशान है लोग, बिल्कुल बाहर से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, जो बाहर से पब्लिक आई हुई है बहुत ज्यादा परेशान कर रही है लोगों को, खुद भी परेशान है। और पास और ये भोपाल इंदौर हाईवे कब से बंद है? ये सुबह मॉर्निंग 8 बजे से ऐसे ये सब पड़ा हुआ है। वो फिर जो किसान दिन और रात मतलब गेहूं के अंदर पानी फेरते हैं, वो फसल अपनी फसल उगाते हैं, 3-4 महीने काम करके पूरी फसल बर्बाद कर दी जनता ने, बाहर के लोगों ने 4 बजे 5 बजे उठ के आके और क्या कहते हैं परेशान करने लगते हैं।
अब क्या कर सकते हैं, परेशान होगा बिल्कुल। अंदर गांव में कोई व्यवस्था नहीं, कुबेश्वर गांव में? कुबेश्वर गांव में व्यवस्था है लेकिन इतनी व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था होना चाहिए थी। व्यवस्था उन्होंने 15-10-15 लाख पब्लिक के हिसाब से कर दी, पब्लिक ये बहुत ज्यादा है और जो पब्लिक आई है वो खुद भी परेशान है और लोगों को परेशान कर रही है, आसपास के गांव के लोगों को। कुबेश्वर धाम के महाशिवरात्रि समारोह में शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से आए हैं। अब चूंकि छोटा सा गाँव है वहाँ जा नहीं पाते, तो गाँव के पास जो गाँव है वहाँ भी लोग रुक रहे हैं। हम इस छोटे से गांव में हैं जो पास में है, गुड़भेला गांव, और वहां पे देखिए छोटा सा घर है मगर घर की दुकानों में लोग रुके हुए हैं। कहाँ से आया? मैं प्रतापगढ़ यूपी से आया हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सूरत गुजरात। आप लोग यहाँ रुके हुए हैं? यस। अच्छा, कैसे मालूम चला यहाँ रुकने का? वेल एक्चुअली आस्था टीवी पे जो न्यूज आते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो शंकर की कथा होने वाली है, हम उसी के रिलेटेड फॉलो करके रुद्राक्ष का कलेक्शन करने के लिए आते हैं जनरली, बस ऐसा। क्या परेशानी हो रही है, अंदर गए क्या? परेशानी में कल रुद्राक्ष वितरण शुरू हो गया था, आज से शुरू होना था, लेकिन पब्लिक इतनी ज्यादा थी, प्रशासन बिल्कुल ना होने की वजह से वहाँ पे जितनी बैरिकेडिंग थी वो टूट गई। उसके बाद ये लोग जो रुद्राक्ष वितरण कर रहे थे उसको लुटाने लगे, जिससे वहाँ पूरी भगदड़ मच गई है। आप सब लोग यहीं रुके हुए हैं? नहीं, हम तो हमारा गांव ही है। तो गांव में कई घरों में ऐसे लोग रुके हुए हैं? हाँ, रुके हुए हैं ना, पूरे गांव में रुके हुए हैं। हाँ, तो कुछ किराया ले रहे हैं आप लोग ऐसे लोग? कोई फ्री में भी रख रहा है, कोई किराया भी ले रहा है, जैसा लग रहा है उनसे। तो देखिए सारे वो लोग हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं और इसी उम्मीद में आये थे की यहाँ सब सुविधा होगी, मगर जिस तरह की सुविधा नहीं हो रहा, बेहद दुखी और निराश। पानी का सबसे ज्यादा समस्या सर हम लोग, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ परसों से, और पानी 10 रुपए का जो बॉटल है हम लोग 30 रुपए में खरीद रहे हैं हर बार पीने के लिए, और छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं साथ में। ये सोचिए यहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं, आप नेट नहीं यूज कर सकते हैं, फोन से बात नहीं कर सकते हैं, मोबाइल बंद नहीं दे रखी है कि आप मोबाइल चार्ज कर सको। कुल में किसका क्या? 200 रुपए एक जन के लिए रूम के किराए से, यहाँ पे गाँव में। हाँ, 1000 रुपए दे रहे हम तो रोज, 1000 रोज। हाँ, 1000 रुपए दे रहे हैं। तो अंदर गांव वहाँ जा पाएंगे? नहीं, नहीं अंदर गए ही नहीं, भीड़ इतनी है, नहीं जा पाएगी अंदर, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। भैंस पोए हैं ये तो अंदर ऐसे ही रहे हैं, बस उन्होंने ऐसे कुछ किया, केवल रोड पे लगे हुए हैं पुलिस वाले, अंदर एक पुलिस वाला नहीं है। जैसे जैसे रहे लोग मर रहे हैं वहाँ पे, बताओ 2 लोगों की डेथ हो गई, कोई व्यवस्था नहीं है, एक प्रशासन वाला वहाँ पे हो। कहाँ से हैं आप लोग? हरिद्वार से। हरिद्वार से देखिए सब दुखी परेशान लोग हैं, दुखी। 1100 रुपए का गंगा जल का लोटा रखा है, खाली पीतल का एक लोटा 1100 रुपए का लाया हरिद्वार से, 10 लीटर झोलो लाए, लोटा जल गया, मिल नहीं, कुछ नहीं है, बता दोबारा आए कथा सुनने के लिए दोबारा इस बार। तो देखिए सारे वो लोग हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, और पूरे गांव में हर तरफ भीड़ ही भीड़ है, और अधिकतर गांव के लोग पानी की बोतल बेचते दिख रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी जो पब्लिक आई है उसका कैसे उसका स्वागत करें या उससे पैसे का। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग शहडोल जिले से हैं। अच्छा, तो आए हैं कि जा रहे हैं? अभी आए हैं। कैसे जाओगे वहाँ? अब पैदल जाएंगे भाई, अभी तो हम जानते नहीं है। हाँ, तो पैदल जाएंगे। क्यों आए हैं? रुद्राक्ष लेने आए हैं, दर्शन करने आए हैं। रुद्राक्ष लेने से क्या हो जाएगा? भगवान भोलेनाथ की प्रसाद लेके जाएंगे। देखिए बड़ी बात यही है कि लोग एक अंधभक्ति अंधश्रद्धा के चलते चले तो आए हैं, मगर इस पूरे इलाके में बहुत परेशान हो रहे हैं। किसी परेशान? हाँ बोलिए सर जी। मैं मुरलीधर प्रजापति, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट तहसील सिवनी मालवा से हूँ। मैं पीयूष जी मिश्रा जी को ये कहना चाहूंगा, मैं उनको गुरु भी मानता हूँ, परंतु अभी व्यवस्था इतनी भंग हो रही है कि पब्लिक को पीने के लिए पानी नहीं है। सबसे पहले चीज पीयूष जी मिश्रा जी को यह करना चाहिए कि पब्लिक के लिए पानी की व्यवस्था की जाए। दूसरी चीज, जब आप रुद्राक्ष दे रहे हो तो पब्लिक को चौराहे चौराहे पे 50 दुकान लगा के पहले ही रुद्राक्ष देना चाहिए। आज इसमें बुजुर्ग लोग मारे जा रहे, बच्चे मारे जा रहे, मेरी ये वीडियो जन जन तक पहुंचाई जाए। मैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए हूँ, मैं सनातन धर्म की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मिश्रा तक मेरी आवाज पहुंचाई जाए। मुरलीधर प्रजापति, ग्राम चबोरा, तहसील सिवनी मालवा, डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। कितने में बेचे हो तुम? 20। 30 की बेच रहे हो? 20। तो देखिए आलम यही है कि पूरे गांव के लोग पानी के बोतल बेच रहे हैं, और जो दूर दूर से आए लोग बेहद दुखी हैं, परेशान हैं, और किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अब यहां आ तो गए हैं, अब करें क्या। देखिए जगह जगह से पानी की बोतल ही बिक रही है इस पूरे गांव में, और गांव के कई घरों में लोग रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, ऐसे 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 दहलानों में पड़े हुए हैं, लोग किस तरह वक्त बिता रहे हैं कि अब दूर से आ तो गए हैं मगर अब यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, और जनता बेहद
परेशान हो रही है। कैमरामैन हमें देशमुख और नितिन के साथ ब्रजेश, आज पी टीवी न्यूज़, गोड़ भिला गाँव सीहोर।